कि बिहार में आपका स्वागत है। ओके, तो ये जो मधुबनी स्टेशन है ये वन ऑफ द फेवरेट स्टेशन है मेरा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा क्लीनिनेस मैंने शायद ही कभी कहीं और देखा है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप चलते जाओ, अभी रात के बज रहे 2 और इतना ज़्यादा सुकून है, इतनी ठंडी मस्त हवा चल रही है, और फिर मिथिलांचल की जो बात है वो और किधर है, मतलब है ही नहीं। अभी आपको लेके चलता हूँ, कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ जो इस स्टेशन पे बनाए गए हैं। बाय द वे, बैठने के लिए इतने सारे जगह है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। अभी मैं स्टेशन पे अभी घूम क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी बज रहे 2, ऑटो मिलेगा नहीं, और ऑटो नहीं मिलेगा तो अभी मेरे को गांव जाने में कम से कम ये स्टेशन से लगेगा 2 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा। मैं पेंटिंग्स की बात कर रहा था, ये वाली। तो ये था आपका एंट्री। एंट्री आने के बाद यहाँ पर बैठने के लिए दिया गया, और ये जो वेटिंग एरिया है इसको इतना मस्त डिज़ाइन किया गया। वो जो पेंटिंग्स आप देख रहे, ये हाथ से बनाए गए पेंटिंग्स है, स्टूडेंट्स ने बनाए, और मेनली जो लड़कियाँ रहती हैं उन्होंने बनाया। अभी देखो, जैसे कि मैं इस पेंटिंग के ऊपर आता हूँ, इसको रानी कुमारी के मतलब रानी कुमारी जो है इनकी ग्रुप लीडर है, जितेंद्र कुमार, रानी देवी, राखी, वीना, फिर जो भी है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप से आके यहाँ पर बनाती है, ठीक है। इसके बाद ये भी यहाँ पर वेटिंग एरिया, डस्टबिन दिया है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पर कोई है नहीं तो ये पंखा क्यों चालू। यहाँ पर एक PNB का ATM भी है, पता नहीं चलता है कि नहीं। वैसे लाइट तो जल रहा है, तो चलते रहना चाहिए। और यहाँ पर भी जब मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट को भी मस्त डेकोरेट किया है, और यहाँ पर मैथिली भाषा में लिखा है, अहाँ के यात्रा मंगलमय हो, मतलब बेस्ट विशेस फॉर योर हैप्पी जर्नी, अगर अंग्रेजी में कहें तो। बाकी हिंदी में तो नॉर्मल सा है, ठीक ही है जो भी। और स्टेशन के जस्ट आगे है रिक्शा स्टैंड, अरे ये रिक्शा नहीं है सत्या में, मतलब ये जो रिक्शा स्टैंड है, ये दोनों बाप बेटे ना चाय पीने जा रहे। तो इनकेस हमारे पूज्य पिताजी इस वीडियो को छोड़ के किसी और वीडियो में आएंगे तो इनका जो सफ़ेद बाल है ना काला हो चुका रहेगा, क्योंकि ये राम बाबू के पास जाने वाले बाल कलर कराने के लिए। पर जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर एक चाय की जगह है जहाँ पर चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये एंट्रेंस के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे एक चाय का स्टॉल है, एंड फिर जैसे मैं रोटेट होता हूँ, हाय अंकल, तो राइट हैंड साइड पे कुछ मिनट के वॉक्स पे, जैसे मैं चल रहा हूँ, कपल ऑफ वॉक्स जाएंगे तो अपने को मिलेगा हनुमान जी का मंदिर। एंड पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि रात के 2 बज रहे हैं एंड यहाँ के जो होटल्स हैं वो चालू है, पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ। और चालू तो है, इस पर क्राइम पेट्रोल भी देखा जा रहा है, पर जिसको देखना हो आके देख सकता है। एंड फिर वो जो गली जाता है मंदिर के राइट साइड से, वो जाता है बस स्टैंड के इधर। ज़्यादा बड़ा मार्केट अभी खुला नहीं है, पर दिन में यहाँ पर भी ज़्यादा ही रहते हैं। दैट्स ऑल, यही था मधुबनी स्टेशन के आजू बाजू का जगह। सो नाउ, चाय का चुस्की लेना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह कुछ खाया नहीं क्या, अभी तो जस्ट आया हूँ। एंड घर जाना है तो घर जाने के लिए 2 घंटा वेट करना है, 2 घंटे के लिए अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं वो इंसान छिएगा कैसे। सो लेट्स गो, जहाँ वो दोनों खड़े ऑलरेडी। चाय आ गया गाइस, गिव मी माय चाय। सब लेके जाना है, एक एक कप कितने का? पीने से मतलब है गाइस, चाय का इधर प्राइस नहीं है, ऐसे मेरे पापा का मानना है। जब भी आओ मेरे डैडी से कांटेक्ट करो। लो लो चाय की चुस्की। चाय की चुस्कियाँ लिए जा रही है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये मिस हो गया तो ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। आराम, देखा DOG। इतने से देर में मैं पूरा जो छोटा सा मार्केट था पूरा घूम लिया, चाय देखे हम लोग, मंदिर देखा, मेरे पापा ने क्या देखा? बीमल
एवं विमल, ठीक है, तो कृपया इस चीज़ों से बचें। जैसे कि हमने आपको क्या ही बोलूँ अब, इट्स अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इसका बाप चोर है। आप मान सकते कि मेरे पापा जो है चोर है, ठीक है, तो वॉट एवर। तो फादर साहब, हाउ आर यू फीलिंग कमिंग इन बिहार? आई एम नॉट फीलिंग। इसको कट कर देंगे, ये अपने को चाहिए ही नहीं। हिंदी में पूछते कैसा महसूस हो रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ए मैकिया, मैंने बोला महाराज, मैकिया लेला, मैकिया मकिया में हम का बोली, बोला नोकिया ना है, मैकिया है महाराज। कैसा महसूस हो रहा बात हो रहा है? अरे ये सब हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ये एक मिनट, ये जो बाल है ये राम बाबू के इधर से कटाओगे, श्याम बाबू के इधर से कटाओगे? अरे महेश बाबू के यहाँ कटाऊंगा। रविशेख के पापा के इधर से कटाने वाला है भाई, अगर तू वीडियो देख रहा है पापा को मैसेज कर दे कि रंधा तैयार रखे, ठीक है। पता है बहुत सामान आया है हमारे साथ, एक बैग ये विमल वाला, दूसरा वो लाल वाला हो गया दो, तीसरा वो ग्रीन वाला, हाँ वो मेरा है, तोड़ दिए। टोटल 5 ही बैग आया है। ये मधुबनी स्टेशन जो ऐसा मतलब दिख तो एकदम मस्त रहा है, लेकिन इसके ऊपर जस्ट टैग रहता ना इंडिया का फ्लैग, बवाल लगता था। ये है अपना ऑटो, इससे अपन जाएंगे घर। हेलो, तो अभी टाइम हो गया कुछ 7:35 और मैं हूँ अपने घर पे। सुबह निकला था और अभी शाम हो गया। ये हुआ ऐसा कि आने के बाद हमको इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि हम आते ही सो गए, और सोने के बाद नहाना वहाना हुआ, फिर वही दिन के जो प्रोग्राम्स घर का, साफ़ सफाई, और उसके बाद लाइट था नहीं तो लाइट लाना ज़रूरी था, बिना पंखे के अपने को नींद नहीं आता, तो यही सब के चक्कर में सूट हुआ नहीं। तो अभी खाना पीना होगा बस, इसके बाद सो जाएंगे वापस से। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सिर्फ सफ़र का शुरुआत हुआ है।